आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज पी एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ओके, नाउ इफ द पावर रेडिएटेड बाय दिस बॉडी बिकम 1/16 ऑफ द टाइम्स ओके ऑफ पी ओके देन द वेवलेंथ करस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बिकम। तो हम जानते हैं कि जो पावर होती है ये हमारी टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रॉम द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब पावर क्या है हमारी 1/16 हो चुकी है और हम अगर हम वेन्स लॉ की बात करें तो जो हमारे पास में टेम्परेचर होता है ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि जो पावर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा टू द पावर 4 के। ठीक है, अब पावर हमारी 1/16 हो रखी है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वेवलेंथ बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी डैश डिवाइड बाई पावर पी और ये क्या लिखेंगे हम लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा डैश टू द पावर 4। ओके, तो पी डैश का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/16, तो 1/16 हो गया हमारे पास पावर पी का, तो यानी कि रेशियो हमारे पास 1/16 हो जाएगा और ये हो गया हमारा लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा डैश टू द पावर 4। ओके, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा डैश हमें मिलेगा 1/2। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, लैम्डा डैश ये हो गया हमारा 2 लैम्डा, मतलब ये 2 टाइम्स हमारे पास में वेवलेंथ हो चुकी है। तो ऑप्शन 1 यहां पे करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।